अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपना वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले A3 साइज़ की शीट लीजिएगा, ठीक है, और उस पर इस तरीके से बॉर्डर बनाइएगा। और बॉर्डर का जो आपको साइज़ रखना है वो आप या तो 1 सेंटीमीटर रखें या फिर 1 सेंटीमीटर से कम का भी आप रख सकते हो। ठीक है, स्पेस अगर कम लगता है आपको तो मैंने ये इस तरीके से बॉर्डर्स बना लिए हैं। अब यहाँ से आपको लीफ्स बनानी है, जिस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ना यहाँ पे। आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ डिफरेंट यूनिक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीव्स बना रही हूँ बॉर्डर बनाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ ना, ये लीव्स, वो मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर नीचे बनाने के बाद में बिल्कुल इसी तरह से आपको ऊपर भी एक लीफ का जो है पैटर्न बनाना है। और ये चीज़ ध्यान रखें कि नीचे जो आप लीफ का पैटर्न बनाएंगे ना, तो वो आपका ज़्यादा ब्रॉड होगा। ऊपर वाला जो पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा कम ब्रॉड रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें अभी ऊपर जो है वो आयत वगैरह लिखनी है, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लीव्स वगैरह डिज़ाइन कर लेंगे। कोई डिफरेंट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो आप लोग इसकी जगह पर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा, नीचे ये पैटर्न डला है, ज़्यादा ब्रॉड है, और ऊपर इस तरीके से थोड़ा कम है ये। और इसके लिए कलर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकती हैं, इसके अलावा एक्रेलिक कलर्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको डिफरेंट 2 शेड्स के कलर्स को लेना है, येलो एंड ग्रीन, और उनको इस तरीके से पेंट करना है अपनी लीव्स को। ठीक है, येलो एंड ग्रीन का शेड लेंगे आप ब्रश में, और एक ही बार में एक लीफ पर आप शेड देते जाएंगे। ठीक है, देखें इस तरीके से। क्योंकि आपकी शीट ग्लॉसी है तो काफी अच्छी तरीके से ये आपका ब्लेंड भी हो जाएगा उस पे कलर, लाइक दिस। ओके, तो इसी तरीके से आपको सारी लीव्स को जो है वो कलर कर लेना है और अपना पैटर्न रेडी करना है बॉर्डर्स का। ठीक है, आप देखें ये वाला जो पैटर्न है ये आपका ऊपर वाला पैटर्न है, जो कि थोड़ा सा ब्रॉड कम था। ठीक है, तो ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही आपको पेंट कर लेना है जिस तरीके से आपने नीचे लीव्स को कलर किया हुआ है। ठीक है, sometimes I lose my mind, cast a whisper.
अब देखें इस तरीके से आपने टोटल इसको कलर कर लिया है आपकी लीस को, तो आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। ये मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए नीचे वाला था